हेलो गाइस, मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं आरती एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये वाला सवाल करने वाले हैं। ये सवाल मैंने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, जिसका जो उत्तर दिया वो 84% लोगों ने सही नहीं दिया था। तो आज इसको हम सोल्व करने वाले हैं। जैसे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बढ़ाकर और फिर 10% की छूट दिया जाए तो क्या होगा। इसके चार ऑप्शन हैं, इसको हम सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार है जिसके पास कोई वस्तु है, मान लीजिए चार्जर है, और ये मान लीजिए कि 100 रुपये का है, 100 रुपये का चार्जर है, और इसका जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है। मतलब दुकानदार उसको 100 रुपये में बेचने के लिए लाया है, तो इसका जो अंकित मूल्य है वो हो गया 100 रुपये। अब उसको वो 10% बढ़ा के लिखना चाह रहा है, तो 100 का जो 10% कितना होता है, 100 × 10% बटा हुआ 100। दो जीरो से दो जीरो गए, बचे 10 रुपये। मतलब वो 100 रुपये पे 10% बढ़ाने के लिए 10 रुपये बढ़ाएगा, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 110 रुपये। अब उसने चार्जर पे जो MRP लिख दी वो लिख दी 110 रुपये। अब 110 रुपये लिख के फिर वो 10% छूट देना चाह रहा है, मतलब 110 रुपये पे 10% की छूट। तो 110 का जो 10% कितना होता है, 10 से 10 ये गया, 10 से 10 ये गया, 11 रुपये। मतलब छूट दे रहा है तो कम होगा, तो 110 में से 11 रुपये जाते हैं तो कितने बचते हैं, 99 रुपये। मतलब वो अब वस्तु को कितने में बेचेगा, 99 रुपये में। जो वस्तु उसने 100 रुपये में बेचने के लिए रखी थी वो अब 99 रुपये में बिक रही है। मतलब 100 − 99 बराबर 1% हानि होगी। तो इसका जो उत्तर है वो ये वाला होगा, इसको 1% हानि होगी, और यही उत्तर है। ऐसे ही सवाल देखते रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।